मसीह खुदावन में तमाम मसीही कौम की सलामती चाहते हैं। आज हम मैं और ये तमाम मोहल्ला अकबराबाद फैसलाबाद जेल रोड यहाँ पे मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ पे भाइयों ने इतराज़ दी कि यहाँ पे कोई पुलिस जो है वो यहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए मसीहियों के घरों पे वहाँ पे आ रही है। असल में ये है कि इनका काफ़ी अरसा से कोई तकरीबन ये 70-75 साल से जब से पाकिस्तान बना है तब से ये लोग यहाँ पे इन्होंने ही ये मोहल्ला आबाद किया और यहाँ पे बैठे हैं। ये दरअसल ज़मीन जो राजा रियाज हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं सबका MNA, ये उनकी है और इन्होंने बहुत सारे लोगों ने ज़मीनों के पैसे जमा करवा दिए हैं जिनके नाम रजिस्ट्रीज भी हुई हैं। कुछ लोगों ने अपने पैसे दिए चुके थे उनको, लेकिन उनको उन्होंने बदनीति की बुनियाद पर रजिस्ट्रियाँ ना करवा सकी, जिसका काफ़ी अरसा से केसेस भी जो चल रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने मसीहों से पैसे भी रिसीव करते रहे और इनको मना करते रहे कि आप अपने केसों को परसू ना करें, और हमारे मासूम लोग हैं, इन्होंने उनकी बात मानी और उन पर ट्रस्ट किया, ये पैसे जमा करवाते रहे। लेकिन उन्होंने अदालतों से इनके खिलाफ फैसले लेके अब यहाँ पे वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा इंतज़ामिया के साथ मिलके कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो आज हम आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि मैंने यहाँ पे आके पहले भी देखा है, हमारे लोग सच्चे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, इन्होंने पैसे जमा करवाए हैं, ये अरसा दराज से बैठे हुए हैं, इन्होंने लाखों रुपए के अपने घर आबाद किए हैं, यहाँ हमारी खवातीन हैं, बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ मुतासर हो रही हैं। अब कोई ज़बरदस्ती आके हमारे लोगों को निकालने की कोशिश करे तो ये हम कतन बर्दाश्त नहीं कर सके। हम इंसाफ का हर दरवाज़ा खटखटाएंगे और अगर पुलिस ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो हम मज़ामत करेंगे, पीसफुल मज़ामत करेंगे, और हम उनको अपनी गलियों में अपने बाजारों में इंटर नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हम पे वो लाठी चार्ज करें, आंसू गैस शेल फेंकें या गिरफ्तार करें, हम किसी भी चीज़ से नहीं घबराएंगे बल्कि उनकी मज़ामत करेंगे, क्योंकि ये हमारा आईनी और कानूनी हक है कि हम अपने घरों का दफा कर सकें। और मैं उन लोगों से भी कहता हूं कि आप इन दिनों, आज पाक जुमेरात है, कल पाक जुमा है, और हमारे लोग इन दिनों दुखी हैं, परेशान हैं, अपने मजहबी रसूमात अदा करते हैं। अगर इस मौके पर किसी ने आके हमला करने की कोशिश की तो फिर हमारी ना सिर्फ मजहबी गैरत को ललकारा जाएगा बल्कि हम इसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तमाम दुनिया के मसीहों से, तमाम फैसलाबाद के मसीहों से अपील करता हूँ कि आप हम जो ही अगर आपको सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है कि यहाँ पे वो हमलावर हो गए हैं तो आप हमारी मदद के लिए आएँ, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ ताकि हम पुरमन तौर पर जमहूरी तरीका अपना हक इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपने घरों को बचा सकें। जनाब, मेरा नाम शहजाद यूसुफ है और मैं अकबराबाद का वासी हूँ। ये जगह 1960 से ये क्रिश्चनों ने आबाद की है और ये जगह गवर्नमेंट की थी, और इस वक्त जो हालात पैदा किए हैं या हो चुके हैं, इन्होंने राजा साहब, राजा फजल अब्बास साहब ने कहा कि आप केस छोड़ दें, आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें। हमने उन्हीं की बात को सिरा बांधा और कहा कि हम कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं। उन्होंने 7,75,000 रुपया फी मरला जगह देने के लिए हमारे साथ एग्रीमेंट किया। अपने होंडा शोरूम के अंदर बैठकर हमने उन्हें पैसे दिए और हमारे सब लोगों के तकरीबन 1,60,00,000 जो इस वक्त हम दे चुके हैं, बाकी पैसे और हमें उन्होंने रिटर्न हमें एक अपने एक होंडा शोरूम की पर्ची दी हुई है सभी लोगों को। किसी ने 10,00,000 दिया है, किसी ने 20,00,000 रुपए दिया है, किसी ने 5,00,000 रुपए दिया है। इस हवाले से जनाब हम एग्रीमेंट उन्होंने हमारे साथ किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये बेल्फ का जो काम है ये हमसे छुपा रखा, और ये बेल्फ जनाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके CPO, DCO और RPO साहब और SSP लालपुर टाउन और मौजूदा जो थाना है गुलामाबाद SHO साहब, ये बेल्फ आज लेकर आ रहे हैं। हमें पता चला है किसी से, तो हम ये घर खाली नहीं करना चाहते और ना करेंगे, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों ने 3-3 मंजिला मकान बनाए हुए हैं और 60 से 70 लाख रुपए एक मकान का खर्चा हुआ है जिसमें मलबा लगा हुआ है, और ये जगह हमने इनको खाली नहीं करनी, चाहे ये हमारी जो जाने हैं अगर वो भी जाती हैं तो हम हाजिर हैं। ये पूरा अकबराबाद में जो चर्चेस हैं ये भी लोग हमारे साथ हैं, और हम रिक्वेस्ट करते हैं मरियम नवाज से, जनाब शहबाज शरीफ साहब से और जनाब चीफ जस्टिस साहब से और जनरल आसिम मनी साहब से कि प्लीज़ हमारी ये अपील को सुने और इस पर जल्दी से जल्दी कोई अपना फैसला लेकर आए कि ये लोग अपने घरों से बाहर ना जा सके। जैसा कि भट्टी साहब भी जहाँ मौजूद है और शहजाद भाई ने भी बात की है, इसी तरह ये बताना चाह रहे हैं हम सभी यहाँ इकट्ठे होकर
कि हमारे घरों में फैमिली हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार लोग भी हैं, वो इन रोज़ों के अयाम में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ईद भी है, तो हम अपने बच्चों को, फैमिलियों को और बुजुर्गों को कहाँ लेकर जाएंगे। सो फैसलाबाद के जितने हमारे मसीही कम्युनिटी के लोग ये सुन रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जब भी यहाँ कोई इस तरह का वाकया पेश हो तो सभी मसीही कौम एक होकर हमारे लिए हम आवाज हो, ताकि हम इसका जल्द अज जल्द इस फैसले को रिमूव करें और अपने घरों में अमन के साथ जिंदगी गुजार सकें। ठीक, खुदा में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं अपील करता हूँ जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, वजीर आलम शहबाज शरीफ शाह, जनरल आसम मनीर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं अपील करता हूँ ये कि इस ढाई मरले में चार चार फैमिलियाँ हैं, सात फैमिलियाँ भी रह रही हैं, और हम अरसा 1960-70 के दरमियान से इधर के मुकीम आबाद हैं, और ये मोहल्ला हमने आबाद किया है, और यहाँ तीन तीन मंजिला घर बने हुए हैं, और पेमेंट भी दे रहे हैं, 1.60 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं और बाकी भी देने के लिए तैयार हैं। और यहाँ जो लोग हैं वो मजदूर हैं, कोई रंग साज है, कोई रिक्शा चलाता है, डेली वेजेस मजदूर हैं। लिहाजा हमारी अपील है कि जो ये हमारी आवाज़ सुन रहे हैं मसीही बरादरी, उनसे अपील है कि ये जो राजा, एक तो वो वेल्फ की तैयारी कर रहे हैं और हमसे पेमेंट भी वसूल कर रहे हैं, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसका अजाला किया जाए और इनसे पूछ गिछ की जाए कि आप पैसे ले रहे हैं या नहीं। शुक्रिया। अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो, अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो, अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो, अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो, अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो।